हेलो बच्चों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्राफ्ट जो है आपका पेपर पर्स। और ये आपका हाफ ईयरली का क्राफ्ट है। ये सभी बच्चों को बनाना कंपलसरी है और इसका मार्क्स भी है जो आपके एग्जाम में ऐड होगा। और ये क्राफ्ट आपको रेडी करके रखना होगा और जब आपको सबमिशन डेट बताया जाएगा तभी आपको इसे स्कूल में आके सबमिट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक पतला सा पेस्टल शीट का, आप ले सकते हैं और कोई भी कलर का हो सकता है। अगर आपको चार्ट पेपर भी यूज़ करना है तो आप चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे बहुत बहुत ज़्यादा थिक वाला आप चार्ट पेपर नहीं यूज़ करेंगे। तो एक हमें सर्कल शेप का इस तरह का पेस्टल शीट चाहिए होगा कट करके, और इसके लिए 2 स्ट्रिप्स चाहिए, और कुछ हमारे पास ये डेकोरेटिव मटेरियल्स है और ग्लू। इतना चीज़ हमें पेपर क्राफ्ट बनाने के लिए नीड होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्या करना है, इस तरह का एक सर्कल लेना है। ओके, और उसके बाद हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक, ये हमने ऐसे इजीली फोल्ड कर लिया। फिर इसके बाद ये देखिए ऐसा हमने रखा। अब यहाँ से एक फोल्ड हम ऐसे करके यहाँ करेंगे, फिर एक फोल्ड यहाँ पे करके इसको कस के प्रेस कर देंगे, जैसे कि जिसमें कि इसमें क्रीज बन जाए। फिर जो आपने क्रीज बनाई थी ऐसे करके फोल्ड किया था, उसको आपको ऐसे ये देखिए ऐसे अंदर की तरफ से इसको ऐसे प्रेस करते हुए फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा ये देखिए शेप पर्स के टाइप में आ गया ना, ये देखिए। अब इसमें हम लगाएंगे इसके हैंडल, ये स्ट्रिप्स हमारी जो थी। तो हम ग्लू लेंगे और इसके दोनों साइड में हम ग्लू लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। इस पे भी हमने लगाया और ये देखिए फिर यहाँ पे हम अंदर की तरफ ऐसे इस तरह से ये देखिए ये हमने यहाँ पे अंदर की तरफ से इसको पेस्ट किया। फिर इसी तरह हम दूसरे साइड में भी इसको पेस्ट करेंगे। ये दूसरा स्ट्रिप्स लिया और ये हमने लगाया और इस तरह से ये लगाया और थोड़ा सा हम लोग इसको प्रेस किए रहेंगे जिसमें कि ये पेपर अच्छे से इसमें स्टिक हो जाए। ओके, ये देखिए ये हमारा पेपर बैग रेडी हो गया है। अब हमें इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए आप इसमें इस तरह से फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, इस तरह के स्टोन सीक्वेंस फ्लावर्स एनीथिंग। ये तो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डेकोरेट करते हैं। मैं तो इसको कलर से डेकोरेट करूँगी। ये मेरे पास कुछ कलर है और कॉटन बर्ड, इसकी हेल्प से मैं एक फ्लावर बना के इसको अच्छे से डेकोरेट करूँगी। बताना, ये देखिए ये फिर मैंने कॉटन बर्ड से इसमें डिज़ाइन बनाया है और कुछ इसमें मैंने स्टोन लगा दिए हैं। इसी तरह से आप भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। और ये हमारा पेपर बैग रेडी है। ओके, थैंक यू।